अच्छा, वो हमने सुना था कि आप लास्ट जो है 6 मंथ विजिट करके आए थे इंडिया, तो पहली बार तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप रिटर्न पाकिस्तान दोबारा आ गए सही सलामत, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर होता है कि जो वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा, काफ़ी लोगों को ऐसा डर होता है। फिलहाल आप अभी जो विजिट करके आए इंडिया, तो कैसा आपका टूर रहा है? इंडिया के लगभग मैंने 100+ सिटीज़ को आए, वो सोलो ट्रैवल किया है अकेले। 100+ सबसे पहले जो विजिट था वो था राजस्थान जोधपुर का। राजस्थान जोधपुर जी, जिनके रेलवे स्टेशन पे गया तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो रेलवे स्टेशन है कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर करो तो टेनेंस होती है ना, जो बिल्डिंग होती है उसके मुकाबले में भी नहीं है। अच्छा, उसकी जो रेलवे है, रेलवे है जी स्टेशन, और मुझे बहुत ही अच्छा सा ट्रीट किया उन लोगों ने, और उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज वगैरह भी ली। फिर मुझे शाम के टाइम बाजार में लेके गए और वहाँ पे खाना भी खिलाया, बाजार का खाना भी खिलाया। अच्छा, कमेंट करते थे, उसने कहा भाई आपने हिम्मत कर दी, पाकिस्तान से आके ना आपने इतना इंडिया घूम लिया, हम इंडिया के होके भी इंडिया नहीं घूम पाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कहता था कि मैं पाकिस्तानी हूं, कुछ स्पेशल मिलता था ना देख लेता था जी, तो उनको वैसे ही पता चल जाता कि ये भाई पाकिस्तान। अच्छा, काफी दोस्तों ऐसी फैमिलीज में है जो मतलब के उसके किसी के तो बच्चे पीछे रह के पाकिस्तान में, उसका वीजा नहीं लगा, और कई लोग ऐसे है जिसके बच्चे चले गए, जो पेरेंट्स है वो यहीं पे रह गए, वीजा खाली आ जाता है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया के और यहाँ के लोगों में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की तरक्की, यहाँ के मतलब इसमें आप फर्क बताइए, क्या कुछ है वहाँ की? देखिए, मैं आपको एक रियल इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ है ये कहाँ, उसकी इकॉनमी $4 trillion तक पहुँच गई है, यूएस डॉलर तक, हमारी जो है वो सिर्फ 346। वो मुल्क तो काफ़ी आगे है और कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है शिवा भाई ने। पहले हमें जो यहाँ पे चोरी चकारी होती है, टेररिज्म सबसे बड़ी चीज़, बिल्कुल जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता तब तक दूसरे कंट्री वाले हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है टेररिज्म को खत्म करना। दूसरा, हमारी कम्युनिटी अगर इन लोगों में एकता हो फिर ही ये पॉसिबल है कि हम लोग जी देखे ना कि आज पाकिस्तान का नाम बदनाम हो चुका। जी जी बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शिवा राठौड़, और आज इस व्लॉग में हम लोग आपको प्यार राम से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि सर करंटली इंडिया विजिट करके आए। वैसे तो वो काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुका है, बट करंटली जो अभी इंडिया विजिट करके आए, तो इसके अबाउट्स हम लोग पूछेंगे कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ जगह पर घूमा है, और वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के हालात क्या है, तो इसके अबाउट हम उनसे रिएक्शन लेंगे, यहाँ और इंडिया में क्या फ़र्क है। तो आइए हम लोग अब प्यार राम से मिलने जा रहे हैं। नमस्ते प्यार गुरु। नमस्ते जी, जय श्री राम। और कैसे हो? शुक्र है, आप बताएं। एकदम बढ़िया। अच्छा, वो हमने सुना था कि आप लास्ट जो है 6 मंथ गए, शायद 6 मंथ हो गए या इससे कम डे हो गए, वो आप विजिट करके आए थे इंडिया, तो पहली बार तो हम आपको मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप रिटर्न पाकिस्तान दोबारा आ गए सही सलामत, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर होता है कि जो वहाँ पर जाते हैं तो ऐसा, काफ़ी लोगों को ऐसा डर होता है। तो फिलहाल आप अभी जो विजिट करके आए इंडिया, तो कैसा आपका टूर रहा है? जय श्री राम। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि इंडिया का टूर आपका कैसा रहा, तो काफ़ी मेरा अच्छा टूर रहा इंडिया का। मैं आज तकरीबन 6 मंथ हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए। अच्छा, इंडिया के लगभग मैंने 100+ सिटीज़ को आए, वो सोलो ट्रैवल किया है अकेले। 100+ सिटीज़ फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, अलग अलग से सुबह भी हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसे बड़े बड़े वहाँ के शहरों के मतलब जो है लोकेशन वगैरह वो आप बता सकते हैं कोई? हाँ, 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 जैसा कि मेरा सबसे पहले जो विजिट था वो था राजस्थान जोधपुर का। राजस्थान जोधपुर जी, जोधपुर के अलावा फिर मैं बीकानेर भी गया, बीकानेर, और उसके अलावा फिर मैं जयपुर गया। जयपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत हवा महल मुझे देखने को मिला, और ड्यूरिंग देखते ही बारिश ने भी काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिक जो है वो मुझे फीलिंग दिलाई। और जैसे ही मैं उनके रेलवे स्टेशन पे गया, तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो रेलवे स्टेशन है कंपेयर टू पाकिस्तान अगर करो तो, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है ना, उस हवाई अड्डे की जो मेंटेनेंस होती है ना, जो बिल्डिंग होती है उसके मुकाबले में भी नहीं है। अच्छा, उसकी जो रेलवे है, रेलवे है जी स्टेशन, और टोटल की टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे है उनकी। अच्छा। और सीलिंग की हुई उनकी पूरा का पूरा जो रेलवे स्टेशन होता है जी, जी, जी। ठीक है वो। और उसके अलावा जैसे मैं एंटर हुआ जयपुर के अंदर, तो मैं क्या देखता हूँ कि पूरे जयपुर का एक ही कलर में रंगे हुए, तकरीबन ऐसे इस कलर में था।
ठीक है, रेड थोड़ा सा। वो गांव था या फिर कोई? पूरा वो शहर था। अच्छा, पूरा शहर एक ही कलर में। शायद उसको ब्लू पर, शायद उसको ना कोई पिंक सिटी कहा जाता है इस तरह में। पिंक सिटी कहा जाता है? हाँ, पिंक सिटी कहा जाता है वो जयपुर। अच्छा, तो उसके अंदर जितनी भी दुकानें हैं, बिल्डिंग है, वो टोटल की टोटल पिंक कलर है, पिंक कलर कोटेड है, इसीलिए उसका नाम पिंक सिटी है, द सिटी ऑफ पिंक जी। ओके, तो वहाँ पे फिर मैंने जयपुर के हवाई अड्डे पे गया, वहाँ पे मैंने वहाँ का एयरक्राफ्ट पे जो है वो ट्रैवल किया, उसमें भी काफी ज्यादा सुपर जी थी। वो आपकी वीडियो में देखा था, वो हवाई अड्डे पे भी आप गए हुए थे और इसके अलावा मैंने वो उस पर ट्रैवल किया था। तो उनका जो अमला है, जिसे अमला कह सकते हैं, या फिर उनका क्रू है, जो एयर क्रू है, जो हवाई जहाज है, स्टाफ है उनका, क्रू है उनका, बहुत एक फ्रेंडली जो था बिहेवियर था मेरे साथ। जब मैंने कहा था मैं पाकिस्तानी, तो उन्होंने जो है मुझे बहुत ही अच्छा सा ट्रीट किया उन लोगों ने। और थोड़ी सी 10-15 मिनट जो थी वो फ्लाइट लेट होगी, तो उन्होंने स्पेशल मुझे लेट होने की वजह से माजरत भी की, माजरत कार्ड दिया, जो सॉरी कार्ड होता है वो, और उसके अलावा रेस्ट करने के लिए थोड़ी सी देर मुझे उन्होंने एसी तो वैसे उनके रूम में, हाँ पूरा एसी है, ठीक है। फिर जूस ला के दिया उन्होंने, कोई स्नैक्स ला के दिए, उसने बिस्किट ला के दिए, भाई ये माजरत की, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिक मिल गया। अच्छा, मतलब अच्छा, वो जो आपने टिकट वगैरह कटवाई थी वहाँ, मतलब वो कहाँ का टूर था आपका, हवाई जहाज से फिर आपने कहाँ तक ट्रेवल किया? मैंने जस्ट ना एक मज़ा लेने के लिए मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा देखें तो सही इंडियन क्रू जो है, इंडियन क्राफ्ट जो है, इनका जो स्टाफ है वो किस तरह से मेरे साथ बिहेव करता है। तो मैं जोधपुर से जयपुर के दरमियान जो है वो सफ़र किया। सफ़र तय। अच्छा, इतना सफ़र करने में मतलब जो आपका खर्चा हो वो कितना हुआ होगा, हवाई जहाज़ के टिकट वगैरह ये वो सब कुछ? जी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरी ना हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि मैं कभी ना कभी जहाज़ पे सफ़र करूँ। जी जी, जहाज़ पे सफ़र करूँ। तो मेरा ये सपना पाकिस्तान में रहते हुए तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 30,000 से 35,000 हमारे घरों के अंदर एक दो महीने का राशन हो जाता है। जी जी बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जोधपुर से जयपुर के लिए सिर्फ 3,000 रुपये टिकट खरीदी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की फ्लाइट थी, उन्होंने मुझे वहाँ तक पहुँचा दी। अच्छा, अब ये बताओ कि वहाँ के मतलब जो कम्युनिटी है, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, तो उसका तरीका कुछ वो उसके अबाउट कुछ बता सकते हैं आप? जी जी, मैं बताता हूँ कि मैं गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ गया। अच्छा, तो जैसे ही मैंने स्टेटस लगाया कि वी आर रीच टू चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, तो एक दोस्त ने, एक यूट्यूब फैमिली से कोई बंदा था, उसने कहा प्यारू राम जो है वो चंडीगढ़ आ चुके हैं। तो भाई उसके पास ना एक दो करोड़ की जो थार नहीं होती, बड़ी वाली थार, उसके ऊपर मुझे पिकअप, उसके ऊपर मुझे लेने आए। मुझे बहुत से फेसबुक पर मैसेज किया, तो उसी रेलवे स्टेशन पर मुझे अपनी कार में लेके गए, उन्होंने मुझे चंडीगढ़ शहर घुमाया और हाँ अपने घर पे ले गए, अपनी फैमिली के अंदर बिठा के मुझे खाना वगैरह खिलाया, ठीक है, अच्छी सी एक जैसे खातरदारी में मन लगा देते हैं। और उन्होंने मेरे साथ सेल्फीज़ वगैरह भी लिए, फिर मुझे शाम के टाइम बाज़ार में लेके गए और वहाँ पे खाना भी खिलाया, बाज़ार का खाना भी खिलाया। अच्छा, और लोगों से इंटरेक्शन भी दिलवाई के भाई ये पाकिस्तान, तो उन्होंने भी सेल्फीज़ ली। उसके अलावा फिर मुझे मजीद 10-11 बजे वहाँ पे एक नेक्स्ट जिलानते मॉल है, तो उस मॉल के अंदर मुझे लेके गए, फिर मैं उस मॉल के अंदर घूमा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉल भी बहुत बड़ा खूबसूरत मॉल था, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहे थे, काफ़ी सस्ती चीज़ें जो है। अच्छा, वहाँ पर इंडिया के 36 स्टेट हैं मतलब के, और वहाँ पर आपने तो काफ़ी मतलब स्टेट घूमे होंगे, यूपी हो गया, दूसरा यूपी हो गया, यूपी जी, और बिहार वगैरह, तो आपने मतलब ये स्टेट कौन कौन सी विजिट की? हाँ, मैं, मेरा फर्स्ट स्टेट जो था वो पंजाब था। पंजाब, ठीक है, पंजाब के फिर मैं उसके बाद मैं राजस्थान चला गया, राजस्थान के साथ ही फिर मैं चला गया यूपी में, उसके बाद मैं चला गया उत्तराखंड में, और उसके बाद मैं चला गया हिमाचल प्रदेश में, और उसके बाद मैं चला गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक है, उसके बाद मैं चला गया गुजरात में। अच्छा, और उसके बाद मैं चला गया नागालैंड की साइड पे। अच्छा, ठीक है, उसके साइड में हरिद्वार वाली साइड में चला गया, उस इलाके का मुझे नाम नहीं पता क्या, जहाँ पे हरिद्वार आता है। अच्छा, वहाँ पे चला गया, और मतलब मेरे, मैं इतने सिटियों के नाम है कि मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रही, इतने सिटी में मतलब आपने इतना
हाफ इंडिया तकरीबन से प्लस जो आप विजिट कर चुके हैं, इतना तो अभी तक आपने पाकिस्तान भी नहीं विजिट नहीं किया। नहीं क्या, मुझे वहाँ के दोस्त कहते थे, इंडिया वाले कहते थे, मुझे मैसेज करते थे, इस पर कॉमेंट करते थे, उसने कहा भाई आपने हिम्मत कर दी है पाकिस्तान से आके ना आपने इतना इंडिया घूम लिया, हम इंडिया के होके भी इंडिया नहीं घूम पाए। मैंने कहा भाई ऐसा ही होता है, मैं जो पाकिस्तान में था तो मेरे पास इतना जो है वो बजट नहीं होता था कि मैं इसको घूम पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आते हुए बहुत ही कम बजट में जो है वो मैंने इंडिया को एक्सप्लोर किया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताए आप यहाँ पर अकेले गए थे या फिर आपके साथ कोई और? मेरे साथ फैमिली जी। ठीक, अच्छा वहाँ पर सिर्फ विजिट करने गए थे या फिर रिहाइश के लिए या फिर ऐसा? नहीं नहीं, रिहाइश का तो कोई प्लान नहीं था, असल में हम गए थे सिर्फ दो तीन साल के बाद जाते हैं, मेरे रिलेटिव थे, मेरे जैसे दादा हो गए या चाचा हो गए, तो वहाँ पे हम जाते थे और उनको मिलके फिर जो वो आपके जो दादाजी है वो वहाँ पर कहाँ रहते हैं? वो राजस्थान, राजस्थान जोधपुर जी। अच्छा जी, वहाँ पर कौन सा करीबी शहर लगता है राजस्थान में जहाँ पर ये जोधपुर, मतलब जोधपुर 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 शहर, उसके गांव का क्या नाम है? उसके गांव का नाम एक छोटा और शहर मिनी शहर है फिलोदी नाम का। फिलोदी नाम, अच्छा जी जी, है वहाँ पर राजस्थान में क्या है? इसके अलावा फिर मैंने काफ़ी इंडियन ट्रेन पे भी सफ़र किया और उनकी जो है वो रेलों दूसरी मेट्रो पे भी सफ़र किया। अच्छा, और हवाई जहाजों के मतलब बसों पे और उनकी बाइक्स पे उनके थार पे टोटली सफ़र मैंने किया। कुल मिला के आपने अच्छा टूर, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूर था। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी जो इंडिया गया और उससे इतना ज़्यादा जो है वो विजिट किया, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, ट्रेन हवाई जहाज मेट्रो रेल बसें कारें और उनकी थार उनके बुलेट्स, मतलब हर जगह, मतलब वहाँ के लोगों का रिएक्शन भी अच्छा था। भाई रिएक्शन बहुत अच्छा, जब मैं जाता था तो मतलब मैं ये नहीं कहता था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कोई स्पेशल मिलता था ना देख लेता था जी, तो उनको वैसे ही पता चल जाता कि ये भाई पाकिस्तान। अच्छा, अक्सर लोग यहाँ के बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जब जाते हैं तो उसको डर होता है कि कहीं जो है, वैसे तो यहाँ पर शौकिया तौर जाते हैं लोग काफ़ी, मतलब वो विजिट नहीं करते, वो जहाँ पर इसे छोड़ते हैं वो वहीं रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं तो उसे राजस्थान ही छोड़ा जाता है, बट आप मुझे ये बताएं, उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, आज प्यार राम खुद बैठे हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि वहाँ पर जो है क्या पॉलिसी है, क्या वाकई में, अभी तो वैसे बयान हम लोगों ने सुने प्यार राम से, तो इसने कहा कि हमने बहुत अच्छा टूर किया या वहाँ पर जो बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बट यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे जाते हैं जिसे राजस्थान में छोड़ा जाता है और वो ये लोग कहते हैं कि मतलब कि हम लोग मतलब कि जो आगे नहीं जाने देते हैं और ना हमें सिटीजन मिलती है वहाँ के हमेशा के लिए, और हम जो है वो एक जगह पे काम करते हैं तो हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं देती, क्या ये रियल में है? मैं बता देता हूँ असल में जो वीज़ा आपके पास होता है वो होता है ओनली फॉर 30 दिन का, ठीक है जी जी, वो 30 दिन के बाद उसी महज उसी जगह का हमारे पास वीज़ा होता है जहाँ पर हमें जाना होता है, राइट, वो होता है हमारे लिए हरिद्वार। हरिद्वार, अच्छा ठीक है, तो हम स्पेशल हरिद्वार जाते हैं, उसके बाद हमें जो वहाँ पे घूमना चाहता है रहना चाहता है वो एक एप्लीकेशन देता है इंडियन हाई कमीशन को, ठीक है, कोर्ट के अंदर जाके अपील करता है, उसके अलावा हमें वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ता है, ठीक है, तो मैंने एक साल के लिए वीज़ा एक्सटेंड करवाया था, ठीक है, 1.5 साल का मैंने वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करवाया था, तो उसके अंदर एक परमिशन लेटर मिलता है उन्हीं की CBI और CID से, तो उन्हें कहा जाता है कि मुझे ये एक्सप्लोर करना है, तो वो एक गारंटी वाला गारंटर देना होता है हमें, ठीक है, वहाँ का ही होता है, वहाँ का एक गारंटर देना होता है, वो हमें हमारी गारंटी लेगा कि ये बंदा मेरी जिम्मेदारी है, अगर इसने कुछ भी गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, उसका नुकसान मैं भुगतूंगा, तो मैंने वहाँ पे गारंटर करवाया और उसी ने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उठाई, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं लेकिन जिम्मेदार तो यहाँ के मेडिकल नहीं होते हैं यहाँ, क्योंकि वो पहली बार ही जाते हैं उनके अपने वहाँ के, असल में मेरे दादाजी वहाँ पे हैं ना तो इसलिए हमारी गारंटी तो मैंने ले ली इजीली। हाँ, वो तो है, एक न्यू बंदे के लिए चाहने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतना भी नहीं हो सकती, बहुत ही रिश्तेदार वगैरह निकल आते हैं, अच्छे लोग निकल आते हैं, पर अगर वहाँ का कोई रिहायशी अगर कोई गारंटेड हो, मतलब वहाँ के कोई गारंटी दे सकता है यहाँ के लोग, भाई ये जो है हमारी जिम्मेदारी, जैसे कि आपके तो काफ़ी लाखों में फॉलोअर्स है, आपको तो पिकअप अगर आपके दादाजी ना करते कोई तो सिलेक्ट आपको कर लिया, काफ़ी लोग तो जो वहाँ के खुद जो हमेशा के लिए ऐसे इंडियन ही है वो अगर गारंटी दे दे फिर क्या होगा? हाँ देखो, इस तरह से भी होता है कि आपको कोई जान गारंटी तो कोई देगा ना जो आपको जानता है जी जी, या फिर दूसरा कोई होगा जो पैसे की लालच में गारंटी देगा, राइट, तो यही रीज़न है कि बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं, इंडियन भी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे इंडियन भी हैं, ख़राब भी है, ये नहीं मैं कहता कि वो दूध का झूला हुआ है, नहीं, उसमें भी कुछ है ऐसे जो गारंटी दे देते हैं हमारी और हम रह जाते हैं, वो देते हैं, क्यों नहीं देते? हाँ, काफ़ी दोस्तों ऐसी फैमिलीज में है जो मतलब के उसके किसी के तो बच्चे पीछे रह गए पाकिस्तान में, उसका वीज़ा नहीं लगा, और कई लोग ऐसे हैं जिसके बच्चे चले गए, जो पेरेंट्स हैं वो यहीं पे रह गए हैं, मतलब वीज़ा खाली आ जाता है, उसका लगता ही नहीं है,
तो ऐसी प्रॉब्लम तो शायद यहाँ पर ही होगी, वो लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं जो है। देखिए एक वीज़ा कौंसलेट है इंडिया का, ठीक है, वो कोई अलग कास्ट का है, तो वो क्या करता है कि जो सिंस हमारे जो भी जाते हैं ना बेल कास्ट के अलावा जो भी कास्ट जाते हैं तो उनको वो वीज़ा दे देता है, पर हमारे अंदर कुछ ना कोई कोई ना कोई एक एक ना एक एक ना एक बंदा जो है वो रख लेते हैं। अब पता नहीं वो क्या चाहता है, तो ये टोटली जो है वो काम कर रहा है इंडियन कौंसलेट, तो इंडियन कौंसलेट की वजह से ही एक बता रहा है। अच्छा कुल मिला के आप बात ये बताइए कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जो यारू भाई ने कहा है हालात इंडिया के बताए हैं, विजिट किया है, जितना भी टूर उसने किया वो सब कुछ बता दिया। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इंडिया के और यहाँ के लोगों में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की तरक्की, यहाँ के मतलब इसमें आप फर्क बताइए क्या कुछ है वहाँ के। देखिए मैं आपको एक रियल इनके बारे में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की बात, इस पे जो भी विजिट करके आता है आपने देखा ही होगा हमेशा वो क्या बयान आके देता है कि यार यहाँ पे ये देखो कि इतनी महंगाई है, मतलब इतनी रोजगार नहीं है जितना हमारा खर्चा होता है, खर्चा होता बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या है, एक तो रोजगार बहुत है। अब मैं आपको एक एक तरीके से डिफरेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना रोजगार खास नहीं है, जैसे कि कोई कंपनीज नहीं है खास ज्यादा, कोई ऐसा कारोबारी काम नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है जिसको जिसकी में हम काम करके चला सके। तो वहाँ पे फैक्ट्रीज है काफी ज्यादा, उनकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, तो वहाँ पे रोजगार के मौका ज्यादा है। तो उस मौका की वजह से लोगों के पास घूमने फिरने और लोगों की सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं होता, ठीक है, इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। रही बात ग्रोसरी आइटम्स की, तो वहाँ पे वो भी सस्ती है, उसकी वजह से भी हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। ये मैं अब रियल फ़र्क बताता हूँ कि यहाँ पे लोग खाने को तरस रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल कि आटा पूरा नहीं होता यहाँ पे, दालचीनी पूरी नहीं होती, कि लोग खाना खा सकें। वहाँ पे क्या है कि ये चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं, तो फ़र्क सामने दिखता है, भाई वो अच्छे से खा रहा है ये आटे के लिए हम तरस रहे हैं। यहाँ के हालात तो बिल्कुल ऐसे हैं, तो जो है वो तो फ़र्क यही है कि दोनों के दरमियान जो है ना बहुत बहुत ज़मीन आसमान। पहले तो मैं ये कह देता हूँ कि अगर डिफरेंस की बात करूँ तो हम इसे कंपेयर कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहाँ है ये कहाँ, उसकी इकॉनमी $4 trillion तक पहुँच गई है, US डॉलर तक, हमारी जो है वो सिर्फ 346 यहाँ तक बिलियन तक आगे पहुँची, 1 trillion भी नहीं है, वो 4 trillion तक पहुँच गई उसकी। अच्छा आप ये बताइए, अब वो मुल्क तो काफी आगे है और कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते, मतलब पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। जी ये बहुत अच्छा सवाल किया है शिवा भाई ने कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का गर्व है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे चोरी चकारी होती है, टेररिज्म सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होता तब तक दूसरे कंट्री वाले हमारे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज नहीं ओपन करेंगे, उतनी देर तक रोजगार के मौका नहीं मिलेंगे, ऐसे ना वजीब बात, तब तक हमें कोई रोजगार के मौके नहीं मिलेंगे, हमारे जो है वो इकॉनमी ऊपर नहीं जाएगी और लोगों को बिजनेस नहीं मिलेगा, लोग घर पर बैठे रहेंगे, भूख से मरेंगे। यहाँ पे हर बंदा काम करेगा, अकाउंट भी जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। तो हमें करना यह है कि सबसे पहले हमारा पहला स्टेप है टेररिज्म को खत्म करना, दूसरा एक तो झूठ ना बोलना, दूसरा मसला पहला टेररिज्म और दूसरा है सबसे ज्यादा स्टडी पे फोकस करना, जहाँ तक हम के लिए ऐसे भी हम बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं, ठीक है, हमारा लिटरेसी रेट तकरीबन 50 या 54 है, इतना ही है, और इंडिया का 65, 70 तक पहुंच चुका है, उनका हर एक बंदा आज अमेरिका में बैठा हुआ है, और हमारा जो है पाकिस्तान का बंदा इंडिया जाने के लिए तरस रहा है। तो दूसरे नंबर पे एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, और तीसरे नंबर पे है हमें हर किसी को काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, मतलब हमारी कम्युनिटी अगर इन लोगों में एकता हो फिर ही ये पॉसिबल है कि हम लोग जी देखे ना कि आज पाकिस्तान का नाम बदनाम हो चुका है। जी जी बिल्कुल, टेररिज्म की वजह से और स्टडी में पीछे जाने की वजह से, और तीसरे नंबर पे हमारे जो सियासतदान जी सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि हर कोई अपना पेट भरने के चक्कर में बिल्कुल, अगर ये रियली काम करे ना तो आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा। देखो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर इकॉनमी जो है, वो न्यूक्लियर पावर रखने वाला एक कंट्री है, सबसे पहले यहाँ की गवर्नमेंट जो है गरीब है, जो आवाम है वो अमीर है। जी ऐसे ये आपने बात सही कही, अब जो आदमी हो लंदन का और यहाँ का वजीर आजम आके बन जाए आउटसाइड से, भाई मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का जो एक सबसे बड़ा कोई चीफ ही है, ठीक है, वो यहाँ पे हर कानून तोड़ देता है, तोड़ देता है, वो अगर बाहर वाले कंट्री में जाता है तो उनको बताओ कि आप सिग्नल तोड़ के तो दिखाओ,
नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ पर तो नहीं। यहाँ पे ये जो हमारे रिटायर्ड बन जाते हैं, कोई भी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, कोई भी बड़ा अफसी ऑफिसर है तो उसके लंदन में जमीन पड़ी है बिल्कुल 2-3 करोड़ रुपए की उनकी जो है वो आवाम को ही लूट रहे हैं ना यहाँ की, मतलब जो हर चीज भी हमारी जगह है। लेकिन उधर देखो 24 आवर लाइट देते हैं, वो भी 3 फेज, वो भी फ्री में देखो ना। फिर उसके 100 किलोमीटर का ट्रेन का वहाँ पे टिकट है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए 100 किलोमीटर का। और यहाँ पे हमारा 1 किलोमीटर जो पैदल जाना है तो वो भी रिक्शे वाला 30 रुपए ले लेगा, वो भी रिक्शे वाला सही बात है। और ट्रेन को फिर वो तो लगभग जो है यहाँ का सफर अगर हम 500 किलोमीटर करते हैं 1200-1300 के प्लस जो काफी ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। अब 400 किलोमीटर का हमारे पास ले लेते हैं यहाँ पे 2000 रुपए 2000 के, और वहाँ पे 400 रुपए ले लेते हैं। जी 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर का सिर्फ 400-300 ये तो है। लेकिन स्टार्टिंग बेस पे जो है कंट्री वाकई पाकिस्तान आगे था, लेकिन दिन ब दिन इस कंट्री को हमने ही डाउन किया और किसी का कोई कसूर नहीं है। ये आवाम का, ये है आवाम का ही कसूर, आवाम हमारी गवर्नमेंट, ये हम लोगों ने मिलके ही इसे बर्बाद किया और किसी का कोई हाथ नहीं है। आवाम को मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, आप देख रहे होंगे कि हमें क्यों कोस रहे हैं प्यारू भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी ही गलती है कि हमने अपना वजीर आजम ही गलत चूज किया है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम अपने सियासतदान ही सही से चूज करते तो आज हमारा कंट्री कहाँ होता, कहाँ होता। बिल्कुल ये बात तो है। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा पेरू भाई का रिएक्शन जो इंडिया के हवाले और पाकिस्तान के हवाले इसने बताया है, होल ऑफ टूर आपको बता दिया है हम लोगों ने, वो पेरू भाई ने आपको जो बता दिया है कि इसने कैसा है इंडिया विजिट किया है, क्या कुछ है, इसने जो वहाँ के लोगों के रिएक्शन भी बताए हैं और जो ट्रेवल किया है उसके बहुत से भी बताए हैं, और कंट्री के वहाँ के हालात और यहाँ के भी हालात में आपको फ़र्क बताया कि क्या है वहाँ पर, यहाँ पर क्या है। जी, और ये सब कुछ एकदम ओरिजिनली है यहाँ के हालात और वहाँ के, बिल्कुल जो इसने बताया जो था वो सच्ची से, हाँ बिल्कुल प्यारू भाई ने एकदम रियल में बताया जो इसने खुद विजिट किया जहाँ तक इसने टूर किया है। तो हमें दीजिए अब इजाज़त, हम चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, थैंक यू, तब तक के लिए जय श्री राम।